हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले यानी कि उज्जैन से, जहां पर सड़क पर बैठकर पाटीदार समाज फिलहाल हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है क्योंकि यहां पर एक समुदाय के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बेरहमी से तोड़ दिया गया, जिसके बाद उज्जैन फिलहाल हाई अलर्ट पर है। पूरा मामला आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश का उज्जैन महाकाल की नगरी और संस्कार धानी के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर दो पक्षों के बीच में बवाल हो गया। दरअसल एक मैदान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई थी, जिसको एक समुदाय के द्वारा, विशेष समुदाय के द्वारा तोड़ दिया गया ट्रैक्टर के द्वारा, और जो है लाठी डंडों से इस मूर्ति को गिरा दिया गया, जिसके बाद दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। आपको बता दें कि इस पूरी ज़मीन पर भीम आर्मी डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की मूर्ति लगवाना चाह रही थी, लेकिन पाटीदार समाज के द्वारा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा दी गई, जिसके बाद ये विवाद हुआ। हालांकि इस पूरे विवाद में दर्शकों को बता दें कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है, कुछ पुलिस वालों को पद से हटाया भी गया है, लेकिन फिलहाल यहां पर पाटीदार समुदाय अब एक्शन की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि पाटीदार समुदाय अब मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग कर रहा है। पाटीदार समुदाय की मांग है कि जिस ट्रैक्टर से इस मूर्ति को तोड़ा गया है उसे जब्त किया जाए, साथ ही मूर्ति तोड़ने वालों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई हो, यानी कि उनके घरों को बुलडोजर से जमींदोज किया जाए। हमने जो वो ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं पूरे समाज को भाई, वो जो सामने की जो समाज है, आजा वर्ग की समाज है, वो हमारे पक्ष में समाज है, हमेशा हम हिंदू भाव से हर काम करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उन समाज को भी समाज से लड़ाने का प्रयास करते हैं, तो उनका मकान भी टूटना चाहिए, उनकी जो ट्रैक्टर जो आया उसको राजसात किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला उज्जैन के माकडोन मंडी गेट का है, जहाँ पर जमीन खाली थी। इस खाली जमीन में भीम आर्मी चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर की मूर्ति लगे, लेकिन पाटीदार समाज के लोग सरदार पटेल की मूर्ति लगाने की मांग कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में माकडोन थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में अब जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मामले को दर्ज करके जिन्होंने उपद्रव किया है उनकी शिनाख्त करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पाटीदार समुदाय की तरफ से एक बड़ी मांग यहाँ पर रख दी गई है और वो मांग है बुलडोजर कार्रवाई की। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।